अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, अब हम अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। आज हम भारत और ब्राज़ील ये दोनों ममालिक के आबादी के मुवाजने को जदोल के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे। तकाबिली अवामिल, भारत और ब्राज़ील कुल आबादी 2011 की मरदम शुमारी के मुताबिक भारत की आबादी 121 करोड़ थी, तो ब्राज़ील की आबादी 2010 की मरदम शुमारी के मुताबिक 19 करोड़ है। आबादी के लिहाज से दुनिया में नंबर चीन के बाद भारत का दूसरा नंबर आता है, तो ब्राज़ील का पांचवा नंबर रकबा और आबादी दोनों के लिहाज से आता है। दुनिया के कुल इलाके में रकबे के एतबार से भारत का 2.41% है, तो ब्राज़ील का 5.6% है। दुनिया के कुल आबादी में मुल्क का हिस्सा 17.5% है, तो ब्राज़ील का 2.78% है। आबादी का औसत गुंजानपन 2011 की मरदम शुमारी के मुताबिक 1 मुरब्बा किलोमीटर में 382 अफराद रहते हैं, तो ब्राज़ील में 2010 की मरदम शुमारी के मुताबिक 1 मुरब्बा किलोमीटर में 23 अफराद रहते हैं।